हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम हो रही है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैंने यहाँ पीहू के लिए ओट्स बनाया है मिल्क वाले, और साथ में मैंने इधर चढ़ा दिया है घी बनने के लिए, जो कि मक्खन रखा था मेरे पास तो मैंने उसको रख दिया है बनने के लिए घी। और साथ में आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, तो इसके लिए मैंने यहाँ गाजर ग्रेट कर लिया है, अभी घिस रही हूँ। और आधा किलो ही गाजर लाई थी तो 3 गाजर चढ़ी थी, और मैं उसको ग्रेट कर लूँगी जब ये घी बन जाएगा। तो क्योंकि ये घी की ही कढ़ाई है तो मैं सोच रही हूँ इसी कढ़ाई में इसको भून करके और फिर गाजर का हलवा बनाऊँगी। तो चलिए गाजर साइड में रख देते हैं और सबसे पहले घी बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो गाजर है ये अच्छे से भुन गई है। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी और दूध डाल के मैं इसको पकाती रहूंगी, क्योंकि मेरे पास मावा यानी कि खोया नहीं है, तो बस मैं दूध के साथ ही पकाऊंगी। आप चाहें तो आप इसे दूध के साथ कुकर में एक थोड़ी सी हल्की सी एक सीटी लगा देंगे ना, तो गाजर बहुत सॉफ्ट और अच्छी पक जाएगी, लेकिन बस मैं इसको ही ऐसे पकाती रहूंगी। और ये देखिए मेरे पास मलाई थी, फ्रेश मलाई, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि मेरा दूध जो है वो ऑलमोस्ट सूख चुका है। तो बस अब मैं मलाई डाल के भी इसको पका लूँगी, और इसको जब पकाते रहेंगे, जब ये सूख जाएगा, लास्ट में हम इसमें शुगर डालेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। वैसे मैं गोंद भी डालती हूँ इसमें गाजर के हलवे में, जो कि ठंड के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगता है, बट आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ, फिर कभी बनाऊँगी वो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने दूध मलाई सब कुछ डाल दिया है, अब इसको हमें अच्छे से पका लेना है। तो हमारा हलवा बन चुका है और अब मैं नीचे आ गई हूँ वॉक करने के लिए। देखिए अंधेरा हो चुका है, चांद कितना सुंदर लग रहा है, तो बस मैंने वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। और अब मैं ऊपर चलती हूँ, ऊपर चलूँगी, डिनर की तैयारी करूँगी। तो चलिए ऊपर चल के मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स वेलकम बैक, गुड इवनिंग। और अभी जैसा कि आपने देखा, मैं जस्ट अभी आई हूँ और अब मैं शाम की आरती करने जा रही हूँ। आज का व्लॉग शाम से अगेन स्टार्ट किया है, और चलिए भगवान जी का दिया जलाते हैं। और आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ बथुआ की कचौड़ी, आलू मटर टमाटर की सब्जी और बथुए का रायता। तो सुबह से मैंने ज़्यादा कोई व्लॉग नहीं बनाया है, और आज मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है, तो उसकी रेसिपी भी मैंने शाम को रिकॉर्ड, गाजर के हलवे की रेसिपी भी देखिएगा और कैसा लगा बताइएगा। टाइम देखिए 7:15 हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। और अभी जस्ट नीचे से आई हूँ कुछ फ्रूट्स लेकर के और वॉक करके, चलिए फिर अब काम कर लेते हैं। मेरी आरती हो गई है और अब मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं और फिर अपना डिनर बनाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये है बथुआ जिसको मैंने कि तोड़ लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं गैस पे चढ़ा दूंगी जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब उबाल लूंगी। और जब तक ये उबलता है चलिए मैं अपने सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने मटर पील कर लिया है, छील लिया है, और आलू, दो आलू कट करूंगी, दो टमाटर, एक हरी मिर्च ली है। और टमाटर और हरी मिर्च को मैं मिक्सी पीस करके मसाला फ्राई करूंगी। और बस सब्जी की रेसिपी तो नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं कचौड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सब्जी मैं पहले भी आलू टमाटर की बना चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, और बहुत ही इजी सिंपल सी है, बिना मिर्च मसाले, मतलब ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी नमक मिर्च डाल करके मैं आलू टमाटर की सब्जी बना लूँगी। आप लोग कचौड़ी के साथ क्या सब्जी खाना पसंद करते हैं मुझसे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तो मुझे आलू टमाटर की सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है पूरी कचौड़ी के साथ। कुछ लोग पनीर की भी खाना पसंद करते हैं बट मुझे इतना ज़्यादा पनीर की सब्जी के साथ पूरी कम पसंद है, मुझे रोटियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए मेरा बथुआ जो है वो उबल चुका है, अब मैं इसको मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी और सब्जी मैंने यहाँ पर छौंक दी है। तो मैंने बथुआ पीस लिया है और मैंने यहाँ पे आटा निकाला है। इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा है, सादा आटा है, ज्वार है, बेसन है, और थोड़ा सा नाचनी का आटा है। और इसमें मैंने हल्दी नमक मिर्च डाल लिया है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और अब ये जो मेरा ग्रीन वाला पेस्ट है, मतलब बथुआ का पेस्ट है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और मसाले आप अपने हिसाब से और ज़्यादा कम डाल सकते हैं, अगर आपको चटपटी करनी है तो आप चाट मसाला डाल लीजिए। मैं थोड़ा सा हींग भी डाल रही हूँ। और सच में गाइस बहुत अच्छी टेस्टी क्रिस्पी कचौड़ी बनी थी, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आजकल हम लोग सादा आटा नहीं खाते हैं, हम लोग ये नाचनी और ज्वार और बेसन और सादा, मतलब गेहूं का आटा, चार आटे मिक्स करके आटा खाते हैं। तो उसी आटे की मैं कचौड़ी भी बना रही हूँ, बस मैंने इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा भी डाल दिया है क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो वो भी यूज़ हो जाएगा। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, अच्छी सी कचौड़ियाँ बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो मैं यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ कचौड़ी जो है वो निकाल रही हूँ और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी बनी है, आप देख सकते हैं सारी कचौड़ियाँ फूल रही हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, अभी तक का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। तो यहाँ पीहू की थाली मैंने लगा दी है, अब मैं अपने और अपने पीहू के डैडी के लिए डिनर तैयार करूँगी। तो मैं उनके लिए आज बथुए का रायता भी बना रही हूँ क्योंकि पीहू के डैडी को रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही जो बथुआ मैंने पीस के रखा था उसको ही मैंने थोड़ा सा पेस्ट बचा लिया है और मैं दही में मिक्स करके उसके ऊपर जीरे का भुना हुआ जीरा डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल करके उनको मैं क्या बोलते हैं रायता भी दूँगी। और मैंने यहाँ पर अपने लिए कचौड़ियाँ निकाल ली है, तो चलिए अब हम लोग डिनर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है। कल का व्लॉग वहीं बंद कर दिया था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और अभी टाइम हो रहा है 11 और मैं यहाँ पे कुछ सामान ऊपर से निकाल रही हूँ, उठा के देख रही हूँ कि कौन कौन से वूलन कपड़े हैं क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ की पैकिंग कर रही हूँ मैं, अटैची वटैची निकाल करके, बैग निकाल के। तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, बस थोड़ा बहुत देख रही हूँ कि क्या क्या वूलन है रखे हुए हैं पीहू के लिए, तो वो मैं निकाल दूँ। तो वही मैं जो थोड़ा धूल वूल है पहले उसको झाड़ लूँगी और फिर बैग्स को अच्छे से साफ़ करके अगेन रख दूँगी। तो चलिए ये सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कैमरे के आगे आके आपको मिलती हूँ। मैंने अपने सारे बैग निकाल लिए हैं और मुझे ऊपर डर लग रहा था कहीं छिपकली या कुछ कुछ कॉकरोच तो नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा डरते हुए उसको उतार रही थी। और ये देखिए मैं यहाँ बैग चेक कर रही हूँ, तो मुझे पीहू की जैकेट भी मिल गई है, स्वेटर भी मिल गया है और एक दो इनर भी मिल गए हैं, तो वो सब मैंने निकाल लिया है। अब वापस से मुझे ये सारा पोंछ करके ऊपर सेट कर देना है क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है, देखिए कितनी ज़्यादा धूल इसमें लगी हुई है। तो मैं एक कपड़े से इसको पोंछते हुए झाड़ू से झाड़ूंगी और फिर उसको सारा सामान वैसे ही सेट कर दूंगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और कल के जो रेसिपी शेयर करी थी रात की बथुए की पूड़ी के बाद, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी जैसा कि आपने देखा कि मैं कुछ सामान उठा रही थी, रख रही थी, तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, कहीं जा नहीं रही हूँ। एक्चुअली आजकल रात में ना थोड़ी सी ठंड हो जाती है, तो पीहू रात में ओढ़ती तो है नहीं, तो मुझे लगा कि चलो मैं उसके कुछ इनर और स्वेटर्स निकाल देती हूँ। तो यही मैंने एक आध दो स्वेटर उसके रखे हुए थे जो यूज़ तो होते नहीं है मुंबई में, बट रखती हूँ मैं अपने पास, तो वो सब मैंने निकाल लिए हैं। तो उसको रात में पहना के सुलाने के लिए, रात में ओढ़ती है नहीं, खुली रहती है, फिर कोल्ड हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट आइडिया है कि एक दो लेयर में बच्चों को रैप करो ना, तो वो सही रहता है। बस वही मैं कर रही थी। और आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने वीडियोस मुझे शेयर करिए, छोटी छोटी क्लिप्स जो मैंने बोली है। बहुत जल्दी आप लोग के वीडियो को भी अपने वीडियो में डालूंगी, मतलब आप लोग को अपने वीडियो में लाना चाहती हूँ। और बस, तो आज सुबह मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया था, सुबह ही हेयर वॉश कर लिया था। पीहू को स्कूल छोड़ के आई, पीहू के डैडी चले गए हैं, बस मैं अकेली थी तो मैंने सोचा ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर पीहू घर पे होती है ना, फिर वो मैं सामान उतारती, वो रखती छूती, तो इससे अच्छा है जब वो स्कूल में है तब ये सब काम कर लिया जाए। तो वही मैं कर रही थी, हो गया है। और अभी 11:30 हो रहा है, मेरे बाल अभी गीले हैं, सूखे नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा सा पसीना है, थोड़ा सूख गया है, थोड़ा गीला है, तो वो सब सूख जाएगा। फिर मैं जाऊंगी पीहू को स्कूल से लेकर के आऊंगी। और सुबह से ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया, बस अभी स्टार्ट किया है। तो चलिए फिर अब ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि कल का व्लॉग फिनिश नहीं हो पाया था, तो आज वो मैंने इसको फिनिश तो करना ही था। और फिर अगर दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो फिर शाम से स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए फिर अब ये व्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको कल अपने एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।